को नहीं छुई इसकी। ऐसा है ना सर कि इससे जो पहले मीटर लगा हुआ था चारों तरफ हर एक हिंदपुरी का घर घर में, जो पहले वाला मीटर था उसमें जो बिल आता था और अभी जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, हमको लगता है चार गुना का ही, मतलब दस गुना बोलिए, दस गुना ज्यादा बिल आ रहा है। चार गुना ज्यादा तो बोला गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दस गुना बिल आ रहा है। वजह क्या है कि स्मार्ट मीटर में जो बिल आ रहा था चार गुना, वो पुराना मीटर आज मेरा लगा हुआ है, पुराना मीटर में मेरा मतलब बोलिए बोला जाए तो दस गुना बिल आ रहा है। तो अगर हम नया स्मार्ट मीटर अगर हम लगा लेते तो जाहिर सी बात है कि मेरा मीटर में भी वही मीटर आपको बिल आएगा जो सारे लोगों का आ रहा है। तो आप कुछ अलग से कुछ चीज इस्तेमाल करना शुरू किए होंगे? कुछ नहीं, आप आकर के देख सकते हैं, वेरिफिकेशन कर लीजिए। कोई चेक करने आया कभी? कंप्लेन किए? बिल्कुल आया, कंप्लेन किया हुआ, दरखास्त भी दिया हुआ है, सजा से आपको दिया हुआ है। चेक करने कोई आया? हाँ आया हुआ था, कोई मत क्या रिपोर्ट दी आपको? कुछ रिपोर्ट वैसे आई ही नहीं है, सजाद भाई बोले। सजाद भाई नहीं, चेक किया गया तब क्या रिपोर्ट दिया गया? आपका मीटर ठीक है या प्रॉब्लम? मीटर ठीक है। तो मीटर ठीक है तो बिल क्यों ज्यादा आ रहा है? बिल क्यों ज्यादा आ रहा है? तो ये तो बिजली डिपार्टमेंट बोलेगा क्यों आ रहा है, ये तो 420 वाला केस है। स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं आप? स्मार्ट मीटर तो हम लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ पर से जो लड़का लोग आया हुआ था वहाँ से 200-300 इस तरह कोई डिमांड कर रहा था, मतलब ये तो गलत है। कोई बोलता है 500 रुपया हम लेंगे, कोई बोलता है 200 रुपया हम लेंगे, तो बिल कम आएगा। और अगर नहीं, अगर दे देते तो बिल कम आएगा, नहीं दे तो बिल ज्यादा आएगा। कौन बोला ये सब बात? ये दो लड़का जो मीटर लगाने के लिए आया था, नाम वगैरह जानते हैं उसका? नाम वगैरह कितना जहन में याद रखेगा, आज से 3-4 महीना 5 महीने। कंप्लेन किए थे इसको लेके? कंप्लेन क्या करेगा, कोई कंप्लेन करने वाला आएगा तब तो? नहीं, कंप्लेन तो जाके करना होता है। कंप्लेन जाके करने का मतलब क्या? कंप्लेन तो हम लोग सारा के सारा लोग वहाँ भीड़ लगाए, फिर उसके बावजूद कंप्लेन का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। चलिए आप लोग और बताइए। हाँ, नाम थोड़ा, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रियाज। कहाँ रहते हैं? क्या कारण है स्मार्ट मीटर को लेकर के, क्या दिक्कत है? कहना क्या है, इससे पहले भी हम लोग जो है ना बिजली विभाग और सरकार के नाम संदेश भेजे थे, और हम लोग बिजली विभाग गए भी थे, बहुत सारा कम्प्लेन भी हम लोग ले जा करके वहाँ पे दिए हैं, लेकिन कंप्लेन देने के बाद जो है वहाँ का जो आला अधिकारी है उसने यही कहा था कि ठीक है हम इसको जांच करवाएंगे। जांच हुआ अभी तक? जांच तो हुआ, लेकिन मीटर का जांच नहीं किया, बल्कि घरों का जांच किया कि इसके अंदर लोडिंग कितना है। बिजली विभाग जो है ना, अगर देखा जाए तो सरासर पब्लिक को बुड़बक बना रहे, इसलिए कि आज आपको जब मीटर जांच करने की बात आ रही है तो आप घरों की जांच करें इसके अंदर कितना लोडिंग है। अरे बिजली विभाग ये जवाब दे ना कि जो आज आप जांच कर रहे हैं, किसी के घर में क्या पहले फ्रिज नहीं था? किसी के घर में क्या पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी? किसी का घर में मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था? किसी का घर में पानी का मोटर नहीं चल रहा था? इसका जवाब दे ना बिजली विभाग। पुराना मीटर में जो यूनिट था, आज नया मीटर लगने के बाद भी वही यूनिट है, तो बिल कैसे बढ़ रहा है? आप हमको एक बात बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग के जरिए से पूरे जो है ना रांची क्षेत्र पूरे देश में बात जाती है, अच्छी संदेश जाती है। आप एक बात बताएं हमें, किसी मीटर का बिल, पुराना मीटर का बिल किसी का 750 आया और मीटर लगने के बाद 1200 आ गया। चलिए मान लिए कि वो मीटर सोलो चल रहा था, ये मीटर फास्ट चल रहा था, लेकिन ठीक है अगर ये मीटर बिजली विभाग कह रहा है कि सही है, तो बिजली विभाग इसका जवाब दे कि दूसरा महीना 2200 कैसे आ जाएगा? वही इनोट, वही सब कुछ, फिर कैसे आ जाएगा? तीसरा सवाल बिजली विभाग से ये है कि इसका जवाब दे कि जब हम लोगों ने कंप्लेन किया जाके और जब बात रखा और तुरंत जो है ना दो दिन के बाद जब बिल काटा गया, तो 850 का बिल कैसे आ जाए? एक महीना 750, एक महीना 1200, एक महीना 2200, और जब बात रखा गया तो 850। आप ये बताएं क्या ये मीटर गड़बड़ी है या बिजली विभाग के अंदर गड़बड़ी है? यहाँ तीन सवालिया निशान है, या तो मीटर सही नहीं है, या तो बिजली विभाग जो है ना चोरी कर रही है। वो चोरी किस तरीका से कर रही है कि एक ही मीटर में तीन तरह का बिल नहीं आएगा? हाँ हो सकता है किसी का कभी ज्यादा चल गया, कम जल गया, तो 200-300 रुपया का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 2200 रुपया का, 1200 का, 750 का, 850 का ऐसा नहीं हो सकता।
कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जिसके कारण जांच करने आए थे। जी आए थे मेरे। क्या रिपोर्ट मिला? रिपोर्ट में यही बोला कि आपका ठीक है। मीटर जांच हुआ? मीटर जांच नहीं किया, घर का लोडिंग जांच। मीटर जांच करने के लिए क्या बोले? मीटर जांच करने के लिए जब कहा गया तो बोला कि अभी हमको जो है सिर्फ जो है ना लोडिंग देखने के लिए कहा गया है, हम लोडिंग देख के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है ना अगर जांच सही तरीके से नहीं होगा तो पब्लिक जो है ना उत्साह हो रहा है। पब्लिक कहाँ जाएगा? पब्लिक देखिए असल चीज ये है कि हम तो पहले भी कहा था कि हमारा जो यहाँ का मुखिया है हेमंत सोरेन जी, उसको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आप बताइए ना कितना पब्लिक जानता है कि जो है ना बिजली विभाग का जो है ना गलती है। सब तो यही कहता है कि सरकार सरकार करता है, लेकिन सरकार नहीं कर रहा है। सरकार करता तो और कुछ बात होता, ये तो बिजली विभाग का फॉल्ट है। अच्छा, ये यहाँ तक ये भी बात हो रही है कि वहाँ के जो हेड है, अभी कुछ समाचारों में चल रहा था कि उन्हें प्रति यूनिट कितना, उसको ये भी नहीं मालूम है। जब एक पत्रकार ने उससे सवाल किया कि सर इस वक्त जो है आपका प्रति यूनिट कितना चार्ज है, तो उतना बड़ा आला अधिकारी होने के बाद भी वो जवाब नहीं दे सका। वो क्या किया, वो मोबाइल में देख रहा। अब जब मोबाइल में उसको नहीं मिला कि कितना इस जो है ना चार्जेस है एक यूनिट का, तो अपने जो है नीचे अधिकारी से पूछ रहा है कि कितना है। क्या लगता है कि मीटर में कमी है या अधिकारियों में कमी लग रही है? मुझे तो लगता है कि अधिकारियों में कमी। समझे, तरह से लोग आज परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहला उपभोक्ता संरक्षण मोर्चा के द्वारा बहुत अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है पूरा रांची में, पूरा झारखंड में ये चलना चाहिए। और रहा स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर का हाल तो ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग हमको लग रहा है कि लॉलीपॉप दे दिया हम लोग को, ठीक है। और रहा मीटर का, जो प्रत्येक महीना जो मीटर का बिजली का बिल आता था 1200 रुपया 1000 रुपया, ठीक है, अभी जस्ट उसका 4 गुना ज़्यादा आ रहा है। मेरा खुद 5200 रुपये 4700 रुपये प्रत्येक महीना आ रहा है। हम खुद जाते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CM शर्मा से सैनिक मार्केट में मुलाकात किए, तो उन्होंने बोला कि आपका मीटर का हम जाँच करेंगे। एक सप्ताह हो गया अभी तक जाँच हुआ नहीं। फिर हम उनको बोले कि एक सप्ताह गुजर गया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो बोले 2-4 दिन में हम भेजेंगे। स्मार्ट मीटर सिर्फ लॉलीपॉप है। आपके आपके साथ ये ऐसा हो रहा है कि आपके मोहल्ले में किसी के साथ हुआ है? कई लोग के साथ हुआ है, अधिकतर लोग सब इसका भुक्त भोगी है। ये आपका सबसे अच्छा है कि ये उपभोक्ता संरक्षण मोर्चा के हमारे भाई जो है सजाद एजेंसी साहब, अच्छा मुहिम है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।